माय रिसेंटली ज्वाइंट डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग और विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन, नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। एज यू सी आवर टीम इज नाउ कंप्लीट, ऑल थ्री ऑफ अस आर हियर एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो नाउ आवर रिक्वेस्ट इज टू ऑल द वोटर्स टू गेट इंक्ड। प्लीज द एंटायर टीम इन द ईसीआई इज रेडी टू इंक द वोटर्स, प्लीज ज्वाइन अस। आई थिंक दिस इज द मोस्ट अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिस पार्ट ऑफ द ईयर। We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is a historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 5 dozen nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्यौहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं, चुनाव का पर्व देश का गर्व। लेट मी से इन द वेरी बिगनिंग दैट इट इज आवर प्रॉमिस टू डिलीवर ए नेशनल इलेक्शन इन ए मैनर दैट वी ऐड टू आवर ग्लोबल शाइन एंड रिमेन ए बेकन फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. Jammu Kashmir assembly mein bhi chunav due hain. We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies in Delhi and also while visiting the states. और पूरी states में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें यह विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द magnitude by which we are doing these elections. We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations. And kitne log usko conduct karte hain? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं, 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। यह इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस, ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड।
इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एंटायर इलेक्शन मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, देर इज ए क्वालिटेटिव लीव फ्रॉक विच कमीशन इज एंश्योरिंग विच वुड बी शोन बाई द आउटकम्स ऑफ द 11 स्टेट इलेक्शंस विच वी हैव हेल्ड रिसेंटली. पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 इलेक्शंस स्टेट असेंबलीज के देश में हुए हैं और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं. पहले वो पीसफुल हुए, वायलेंस फ्री हुए. जो इसमें से एक दो स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस नहीं हुई. नियर जीरो रूपोल्स. और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें भी घटित देखने को मिली. कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए. कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई. सीजर्स बढ़े और फेक न्यूज पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा. तो लास्ट टू ईयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे. हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे. अभी जो इलेक्टोरल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं. अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो प्योर होना चाहिए. ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए. उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है. हमें इलेक्टोरल रोल में बहुत मेहनत की है. इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीजें लगती हैं. प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वॉयलेशन और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइट कंट्री एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, दैट इज व्हाट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर आल्सो. तो पहला जो इनपुट है ये एक मोजेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है. क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोजेइक. 96.8 करोड़ आर दी टोटल इलेक्टर्स इन दी कंट्री, ऑफ विच 49.7 करोड़ आर मेल एंड 47.1 करोड़ आर फीमेल. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं. और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं. 1,80,00,000 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी बिकॉज दे हैव अ लार्जर टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देर आर 88.4 लाख पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आर वोटर लिस्ट. वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं. वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस. और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में. सो द मोजेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000. तो मोजेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इन द एंटायर कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. इस रिग्रेस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये इस मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं. सो व्हेन द इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन. वी गिव 2 कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज
उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम बदल है, घर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं। और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीएलओस के साथ लगाना चाहें तो लगाएं। और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग। सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1-2-3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्टोरल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विथ दिस। वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन वोटर्स। वुमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्ट्रल साइकिल। राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन। और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन। 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5-6 लाख आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाय 1 अप्रैल 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल दी पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा। एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट ए वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स। एंड देन द वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिले। देन हाउ वुड बी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव?
इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें। मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज वॉट इज आर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट। वी आर ऑल्सो ग्रेटली लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन 3 वर्टिकल्स फॉर द हेल्प ऑफ द वोटर, फॉर द हेल्प ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज मशीनरी एंड ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है, उसका एपिक डाउनलोड करना है, इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी BLO के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन ऐप। यू कैन नो अबाउट वॉट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें KYC के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, TV में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। Then, in order to clean up the entire system, we want to use the technology with the help of the citizens. Citizens, be please vigilant. So, CVigil app में कोई भी शिकायत अगर किसी citizens को, किसी voter को करनी है, कहीं पर भी
कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर सेल्स। आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो मेनली चार चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायोलेशंस। असेंशियली चार किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं चार चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायोलेशंस विच आर डन और एलिस्ट टू बी डन अंडर MCC। सो कमिंग टू द मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ CAPF वुड बी डिप्लॉयड 24/7। एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं, वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिंड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, TV, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो 1 सीनियर ऑफिसर वुड बी अवेलेबल इन द कंट्रोल रूम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू लुक एट दीज 5 फीट्स। जहां से भी और सी विजिल जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेटअप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर स्टेट बॉर्डर एंड ऑन द नोड्स फ्रॉम वेयर सम काइंड ऑफ इरेगुलर इलीगल गुड्स कैन मूव अक्रॉस द स्टेट्स। इन सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स देर इज ऑल्सो ए ड्रोन बेस्ड चेकिंग विच विल हैपन। वी आर फुल्ली कमिटेड दैट हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारे स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग इम्परसोनेशन की भी शिकायत आती है, बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्परसोनेशन के केसेज आए तो RP एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवर लास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग,
we will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point. We will be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ अवर आउटकम्स. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में. एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई. टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर. ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है. हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं, वी आर अवेयर फुल्ली दैट देर आर डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटीज इन ईच स्टेट. सम स्टेट्स हैव मोर वायलेंस, सम स्टेट्स हैव मोर मनी, सम स्टेट्स आर मोर काइंड ऑफ ए ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स. सो विच एवर problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money hum nahi hone denge. Iske liye bhi humne enforcement agencies ko, sab states mein enforcement agencies ke saath baithak ki hai. Delhi mein hum sab heads of the agencies ke saath fir se baithak karne wale hain aaj ke baad turant. Kya kaha hai unko? Unko humne kaha hai कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, व्हाटएवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें. रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें. सो हुम हैव बी डायरेक्टेड, जीएसटी, एक्साइज, स्टेट पुलिस, ऑल एजेंसीज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, बीएसएफ, एसएसबी, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है. जीएसटी वुड बी डूइंग द ई वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी इफ देर इज ए ट्रेंड ऑफ स्पर्ट इन द डिमांड फॉर द एफएमसीजी इन सर्टेन एरियाज. बैंक्स वुड लुक एट इफ देर इज ए डिमांड, स्पर्ट इन डिमांड ऑफ द कैश इन द चेस्ट. सो National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. Digital payment se to paisa nahi ja raha, ek do state mein aisa bhi dekhne mein aaya tha ki aap apne wallet ke through kisi ko bhi paise transfer karte rahiye 2000 1000 rupaye. All that we will be looking at. Banks would be sending almost daily report of the suspicious transactions which they have. All airports in the country would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrips. और जहां जिन राज्यों में airstrips commercial के अतिरिक्त हैं, जहां helicopters land कर सकते हैं, we have asked and we have got actually the Bureau of Civil Aviation of Security to issue detailed instructions कि जिस किसी क्षेत्र में helicopter या chartered flight उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में, उसकी एज पर द डायरेक्शन, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द बीसीएस, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग होगी. रेलवेज, आरपीएफ, जीआरपी, बोथ विल बी साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट रोड्स. सो कैश और मनी, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए थिंग विच इज इन न्यूज दीज डेज. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in
टेकिंग आउट आर आउटरीच प्रोग्राम्स, जितना हम यूथ विमेन वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं उस माध्यम को यूज करते हैं. वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस. व्हाई नॉट, इफ यू आर डूइंग रॉन्ग क्रिटिसाइज अस, बट यू कैन नॉट, यू शुड नॉट बी अलाउड टू क्रिएट फेक न्यूज विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर. ये अफवाहें फैलाते हैं. तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया. ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो. उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहे. इसमें क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 69 एंड 793 ऑफ द आईटी एक्ट ऑथराइज्ड अथॉरिटी ऑफ ईच स्टेट इज एम्पावर्ड टू आस्क फॉर टेक डाउन ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स. ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स हैव बीन अपॉइंटेड और आर बीइंग अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट. We have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ye myth phailaya ja raha hai, ye uski reality hai. Hum apni taraf se aage badhke aapko educate karenge ki ye uski reality hai. Aur social media ke bare mein aap sab se bhi ek appeal hai. कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्पटिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की है, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा. एडवाइजरी इशू किए हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वॉयलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आर ग्राउंड्स एंड वॉट वी हैव डन इन दैट. वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस. मीन्स we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties ke jitne bhi bade netagan star campaigners hain jo campaigning karenge, unke vyaktigat notice mein hamari guidelines le aaiye. Ye zimmedari humne political parties ko di hai. So now what is happening, we have put them on notice and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing, we left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond, and here we have said we will also look at the past, we'll also look at the history, we might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be jo MCC violations kis prakar ki ho sakti hain.
statements which inspire, which should inspire rather than divide. Issue-based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने editors को भी advisory issue की है. वो एक newspaper में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रो एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियॉन्ड एडवाइजरीज, टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच इन द एडवाइजरीज देर आर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट विच आर ऑल्सो इन बिल्ड. सो नोटिस इज देयर, नॉलेज इज देयर, सेक्शन आर देयर. सो प्लीज आर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ. प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस. क्या किया है, अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस. वो क्या करती थी, किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का. वो देवर क्लटरिंग द पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट द जेन्युइन पर्सन. सो दैट इज वॉट इट हैज बीन डन. सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा, डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग. तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. Plummeting level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें campaigning में लाया जाए. We'll be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2100 observers. जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे, हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं. और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है, और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स. एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स. नाउ हैविंग डन ऑल दिस, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे. सो लेट मी शो यू दिस
what is our effort, what is our endeavor as a last slide, let me tell you. There are reduced repolls, that is what we are endeavoring. Zero violence, that's what we are endeavoring. No inducements, jis pe kaarya ho, fake news curb ki jaye. Campaigning clutter aur badmijazi kam ho aur logo ka participation badhe. Jo 67% participation tha, wo badhke adhik se adhik pahunche. With this, I would like to, in the end, appeal to the voters that elections belong to you. बहुत मेहनत की है हमने दो साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है. वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है. इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें. उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वील बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती. अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे, वील बी रूथलेस. एंड लास्टली माय अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, वी आर वेरी कमिटेड फॉर एथिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स. आई वुड लाइक पार्टीज टू अगेन अपील दैट प्लीज मेंटेन डोकोरम इन कैंपेनिंग and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए. फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे. दुश्मनी जमके करो लेकिन यह गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर वेरी सिंसियरली. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन नाउ 3.5 years. You are our natural allies, you are eyes and ears. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं. आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं. प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए. ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज. कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे. Now, I come to the schedule which you were waiting. And I hope I didn't delay it. I have not bored you by what I said. So now, we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country jahan by-poll hona abhi hai due. Bihar, Gujarat, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है. आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे. और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है. वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा. बट ऑल दी 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस. अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू द असेंबली इलेक्शंस. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस, जैसे मैंने बताया था, जून में खत्म हो रहे हैं. सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 जून विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश
on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024, a date of poll would be 13th May 2024. So Andhra ke case mein notification 18 April 24 ko hoga, aur date of poll 13th May 24 ko hogi. Iske baad Arunachal Pradesh mein date of gazette notification 20 March ko hoga, aur date of poll 29 April ko hogi. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल. इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस, एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई. फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26th अप्रैल एंड 20th मई. देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस, सिक्स फेज बीइंग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश, दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग. छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, that please join for the voting, come on the day of voting. Chutti manane na jayen, jarur a jayen. Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1, we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक festival है, तो notification की date same है, लेकिन बस last date of withdrawal हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की first phase के लिए करनी पड़ रही है, चूँकि वहाँ त्यौहार हैं, और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी, और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल. सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K, बिकॉज ऑफ द some holiday,
the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी total 12 states उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. Counting of course is 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 mein 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6th mein 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Iska map कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज, सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून. तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th. एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. दिस इज हाउ द मैप विल लुक. येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन. वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन एंड फिनिश नॉर्थ ईस्ट, मूव अप फ्रॉम द साउथ एंड फिनिश द वेस्टर्न एरिया. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल फेज, सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माय एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच.